हैदराबादी तला हुआ गोश्त। इसे बनाने के लिए हमने मटन लिया है 1 kg और इसे मैंने स्क्वायर कट में कट कर लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी मीट ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए चलिए देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई लिया है और इसमें मैंने 2 tablespoon तेल डाला है, कुकिंग ऑयल आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप ऐड कर लें और ये सारे गोश्त को इसके अंदर ऐड कर लें। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसमें सारे गोश्त को ऐड कर दिया। अब इसे चलाएंगे। इस गोश्त के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसके अंदर पानी हमारा मीट खुद ही छोड़ देगा। तो हम पानी खुश करने तक इसे ढक के पका लेंगे। तो यह हम इसे ढक के पका लेते हैं। हम आपसे 5 मिनट बाद मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा गोश्त ने मीट पानी छोड़ दिया। अब हम इसे अच्छी तरीके से खुश करेंगे। तो खुश कर लेंगे इसी पानी को, इसके अंदर अच्छे से सुखा लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। इसका पानी जब तक रिलीज नहीं होता, बिल्कुल अच्छी तरीके से खुश नहीं होता, तब तक हम इसे पकाएंगे। देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है ये बोनलेस है। आप बोनलेस में ही बनाएं, आप बोन में भी बना सकते हैं, बट बोनलेस बनाने में ज़्यादा अच्छा होता है। और ये हमारा बकलेर स्पेशल है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। चलिए इसका पानी खुश करने पर मिलते हैं आपसे। तो आप ये देख सकते हैं इसका पानी कितने अच्छी तरीके से खुश हो चुका है। आप देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे पानी। गोश्त का काम हो चुका है तो पानी छूट चुका है। हम तकरीबन इसमें गोश्त डूब जाए इतना पानी हमें इसके अंदर ऐड करना है और फिर से इसे खुश करना है। जी हाँ, ऐसे ही बनते हैं हैदराबादी तला हुआ गोश्त। आप देख सकते हैं आपके गोश्त के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसा गोश्त है। अगर जल्दी गल जाता है तो आप पानी कम डालें, अगर देर से गलता है तो आप पानी ज़्यादा इसमें ऐड कर दें। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये आप देख सकते हैं इसका पानी थोड़ा थोड़ा खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ही खुश कर देंगे। चलिए जब तक इसका पानी खुश्क होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने पानी डाला था वो भी खुश्क हो चुका। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। इसका भी पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका। अब हम इस स्टेज में ऐड करेंगे और हमने हाई फ्लेम पे अब तक पकाया, अब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। ये मेरे पास सूखे हुए कड़ी पत्ते हैं, आपके पास अगर फ्रेश हैं तो आप फ्रेश डाल दें और इसे पका लेंगे। इसे 2-3 मिनट तक कड़ी पत्तों के साथ भून लेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3 से 4 tablespoon। और उसके बाद हम उसको अच्छे से भून लेंगे। इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे इसमें 1 tablespoon नमक, स्वाद अनुसार नमक डालें, लाल मिर्च पाउडर 2 tablespoon,
बाद में स्पॉटेड है तो मैं रिएक्ट कर लूँ, मेरे पास इस वक्त ख़त्म है। और भर के खाने का चमचा अदरक पेस्ट और लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसे अच्छे से भून, इसे हम अच्छे से भूनेंगे, लो फ्लेम पे भूनेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। मसाला जब तक अच्छा है तब तक हम इसे भूनेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता, एक मुट्ठी भर के मैंने कट करके रख दें। तकरीबन अभी 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे भूनेंगे। तो आप ये देख सकते हैं 1 टेबल स्पून बड़े चमचे से नींबू का जूस ऐड कर देंगे और इसे कर देंगे मिक्स। इसे भूनते भूनते 5 मिनट हो चुका है, तकरीबन मैंने इसे 10 मिनट तक पकाया क्योंकि हमारा गोश्त नहीं गला था, इसे हमने गलाया। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है और ये गल भी चुका है, अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो चलिए मैं इसे डिश आउट करके मिलती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा हैदराबादी स्टाइल में तला हुआ गोश्त बनके बिल्कुल रेडी है, झटपट बन जाते हैं और बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामान में बन जाते हैं। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है आपका डिश। और आप अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर करें।